बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को लेकर एक युवक को पीट पीट कर मार डाला। समर्थन में आई बहुजन समाज पार्टी। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। साथियों, आज हम बात कर रहे थे विनोद मेघवाल, जो कि राजस्थान के रावत सर के किकलारिया गांव से रहने वाले हैं और वहां पर उनकी बड़ी ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि इस मौत के पीछे का जो कारण है वो जातीय उत्पीड़न है। ये जो विनोद मेघवाल है, ये सामाजिक कार्यकर्ता रहे और फुले शाहू बाबा साहब के मूवमेंट के सच्चे सिपाही रहे और इन्होंने 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जयंती को लेकर एक बैनर अपने गांव में लगवाया था, जिस पर से जो सवर्ण हैं वो चिढ़ चुके थे और इस बात से एक विवाद वहां पर शुरू हुआ और इस विवाद को उन्होंने इतना बढ़ाया कि विनोद मेघवाल को अपनी जान देनी पड़ी। विनोद मेघवाल को पीट पीट कर दबंगों ने उन्हें मार डाला। इस घटना का संज्ञान बहुजन समाज पार्टी राजस्थान के प्रदेश कमेटी ने ले लिया है और इस संदर्भ में बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा, इन्होंने पुलिस कमिश्नर से बात करके इस घटना की जांच करने के लिए बात की है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की संपूर्ण जो राजस्थान की प्रदेश कमेटी है, जिसमें कि प्रदेश महासचिव है भोला सिंह बाजीगर और प्रदेश के प्रभारी सीताराम मेघवाल, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की ओर से शासन प्रशासन को मांग की है और उन्होंने अपने मांगों में लिखा है कि जो जो इस घटना में शामिल है उन तमाम दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही उनके घर परिवार के लोगों में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और उनके उन परिवार के मृतक के मतलब कि विनोद मेघवाल के परिवार के लोगों को 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उस परिवार को सुरक्षा देने का काम भी सरकार ने करना चाहिए, शासन प्रशासन ने करना चाहिए। इस प्रकार बहुजन समाज पार्टी जो है, विनोद मेघवाल के साथ जो हुआ है, विनोद मेघवाल की जो हत्या हुई है, जिन सवर्णों ने की है जाति उत्पीड़न के नाम पर और भेदभाव के नाम पर, इन तमाम बातों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपना मोर्चा खोला है और शासन प्रशासन को घेरे में लिया है। भगवान सिंह बाबा, जो कि बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने वहां पर पुलिस प्रशासन से बात की, वहां के जिला प्रशासन से बात की और कहा है कि इस घटना पर उचित कार्रवाई करें। फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार, हम बार बार आपको बताते हैं कि वो भी जिस प्रकार बीजेपी जातिवादी और मनुवादी पार्टी है, उसी प्रकार कांग्रेस की भी जड़ें वहीं से आती हैं जहां से बीजेपी की जड़ें आते हैं। और कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में कई एट्रोसिटीज़ हुए हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस का शासन प्रशासन जो है, वो इन अन्याय अत्याचारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करता। अगर करता तो फिर से ये विनोद मेघवाल की घटना जो है वो हमारे सामने नहीं आती। आपको बता दें कि राजस्थान जो है SC ST के एट्रोसिटीज़ को लेकर सबसे क्राइम में एक नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है और इस प्रकार के अन्याय अत्याचार की घटनाएं, जातीय उत्पीड़न की घटनाएं संपूर्ण देश में हमको दिखाई देती है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं और इस संदर्भ में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।